आज आप सबको रमज़ान में तकलीफ़ दी है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे हालात हैं जिन पे रमज़ान में ही बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सबसे पहले जो IMF के साथ मामलात सामने आ रहे हैं। यहाँ पहले हबीब शेख साहब ने हमें ये बताया कि किस तरह की गई, और उसके बाद आपने देखा एक महंगाई और बेरोजगारी का तूफान इस मुल्क में आ गया, और उसके बाद जो बिजली और गैस की कीमतों में जालिमाना इजाफा हुआ, यानी जो काम इबलीस कैद होने की वजह से ना कर सका वो काम उसने आगे इस जिसके बाद इस कौम की हालत इससे कहां नीचे गिरेगी उसका हमें अंदाजा नहीं। और इस मामले में इनका क्या काम है, मैं आपको सिर्फ अप्रैल 2020 से 21 की स्टैट्स देती हूं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की। चिकन और अंडे जो हमारी आम आदमी की प्रोटीन का एक सोर्स है 93% और 42% महंगे हुए। टमाटर 81%, गंदम 32 माह में 100%, जो 7 दहाइयों में इस मुल्क में नहीं हुई। दूध 20%। इसके साथ साथ आप मुजाहिद अव्वल साहब के मैं आपको थोड़े से बयानात बता दूं जो उन्होंने हमारे लिए कहे थे कि जी हम इसका फल देंगे, आपको फल मिलेगा। उन्होंने कहा 31 जनवरी को कि महंगाई में कमी होगी, कौम को फल मिलेगा। मार्च में फल लग गया, फरवरी पहली को कहा कमी हो गई, मार्च में फल लगा और महंगाई 9.1% हो गई। मई में 9 महंगाई डबल डिजिट्स को क्रॉस कर गई, इस वक्त 12% के करीब है। और इसमें एहसास प्रोग्राम जो कि जिस पर ये बड़ी बात करते हैं, वो एक और भीख मांगने का जो इनका कौमी इनका एक इन्होंने नारा बनाया हुआ है, वो भीख मांगने का एक और तरीका है। आप जिस बैंक ट्रांजैक्शन को करें, आप जिस ATM में कार्ड डालें, वो फौरन आपसे भीख शुरू हो जाएगी कि आप भीख दें। और वो भी कौम से अरबों रुपए लेकर ये कह रहे हैं कि हम एहसास प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। हम पूछना चाहते हैं सानिया निश्चर साहिबा से कि बैंकों को किसने ये हिदायत दी है कि वो इस गुर्बत से मरती हुई कौम से और भी न छोड़े और भीख के जरिए एहसास प्रोग्राम को फीड करें। तीसरी और बहुत अहम बात, इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पहले तो कुछ और कहते थे, अब वो एक नया भाषण दे रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ बहुत संगे मील वो कोई नए तय करने जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं
कि क्या इमरान नियाजी साहब ने इस कौम को फतह किया है, क्या हम मफतू कौम हैं, क्या हमें हक हासिल नहीं है कि आप भारत के साथ क्या ले दे करने जा रहे हैं। कश्मीर तो आप पहले दे चुके, उसके बाद आप क्या देने जा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं किए जा रहे, क्यों, किस हक के तहत, किस मैंडेट के तहत ये खुद ब खुद पार्लियामेंट से बाला बाला और खुद ही ये इस कौम की तकदीर के फैसले कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या शरायत हैं जिनकी बुनियाद पर ये भारत से और अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। और बात के बावजूद आपने देखा कि चंद दिन पहले भारत ने वहां से दरअंदाजी की, वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस किया, और अफगानिस्तान की तरफ से भी हुआ, और दोनों इंसिडेंट्स में हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए। हम जानना चाहते हैं कि ये क्या बातचीत है। अब नई खबर ये आई है कि मोदी हमारा भाई है, तो किस बुनियाद पे भाई बना है? ये कौम का हक है, हमारा आपका हक है, और पार्लियामेंट का हक है कि आप आइए पार्लियामेंट में बताइए। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉल करता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी कॉल करता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, जिसने कोई बात पाकिस्तान से डिस्कस करनी होती है पाकिस्तान के मुतल्लिक, वो बाहमी ताल्लुकात चीफ से बात करते हैं। तो इमरान खान साहब किस बात की तनख्वाह ले रहे, इमरान खान साहब क्यों बैठे हुए हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि शहजाद अकबर साहब, जो अभी चंद दिन पहले उनका भांडा फूटा, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साजिश की, जिसके नतीजे में आपने देखा कि उनकी एक बड़ी घिनौनी साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट में वो उसके खिलाफ साजिश करें, अदलिया के जजों के खिलाफ साजिश करें, सुप्रीम कोर्ट की साजिश के बाद आज जिसके नतीजे में असूली तौर पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम और इस साजिश के जो बाकी कैरेक्टर हैं जिसमें शहजाद अकबर और फरोख नसीम हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं, लेकिन आज उन्होंने सिंध पे एक वार किया। शहजाद अकबर साहब ने इतनी जुर्रत की कि नैब से कहा गया कि सिंध के अफसरान के डोमिसाइल चेक करो, पता लगाओ कि सिंध का कौन सा रूरल अफसर जो है देही इलाके का वो शहरों में काम कर रहा है। ये हमारा सवाल ये है कि शहजाद अकबर को क्या इस मुल्क को बांग्लादेश की तरीके का किसी और साने के से दो चार करने के लिए लाया गया है? ये आदमी वही काम कर रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था, ये आदमी वही काम कर रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ था, ये आदमी कौन है, ये आदमी क्या करना चाहता है, और इसका क्या हक है कि एक फेडरेटिंग यूनिट के अंदर इस किस्म की जो है ये डिवाइड पैदा करें। हम इसको चैलेंज करेंगे, हम शहजाद अकबर की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करेंगे, हम शहजाद अकबर की रेशा दवानियों पे ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ तहकीकात हों कि ये शख्स पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुआ और अब ये शख्स इस मुल्क की इकाइयों पर और सूबों पर हमलावर हो रहे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि एक तरफ जहांगीर तरीन को NRO मिलता है, वजीर आजम ने पहले दिन से मंत्र पढ़ा हुआ NRO नहीं दूंगा, लेकिन छुप के जहांगीर तरीन को मिलता है, कौम धक्के खा रही है चलचलाती धूप में लाइनों में, और दूसरी तरफ आप रेफरेंस बनाते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब पर, किस हिसाब से, कहां गए वो तमाम रेफरेंस, नदीम बाबर 330 अरब हड़प, खुसरो और तरीन 250 अरब हड़प, रजाक दाऊद सैकड़ों अरब हड़प, पेशावर BRT 125 अरब हड़प, कर्जे आपने 33 अरब के ले लिए, वापस आपने 18 अरब किए, 15 अरब के कर्जे कहां गए? एहसास प्रोग्राम के तहत आप भीख मांग रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि रेफरेंस बने तो आसिफ अली जरदारी पर, किस हिसाब से? ये तमाम जितने इस मुल्क के स्कैंडल हैं उनका सरगना है, और वो तमाम स्कैंडल जो हैं, जो हमें भाषण देते हैं अपने 300 कनाल के महल से निकल के मुल्क में एलीट लोगों का राज है, वो तमाम तमाम के ताने बाने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जुड़ते हैं और वज़ीर आज़म साहब ही उनके सरगना हैं। मैं अब अपनी कॉलीग सेनेटर रुबीना खालिद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपसे बात करें। बैठी हो मैं नहीं, आप इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर बातें तो मेरी कोलीग पलवेशा खान कर चुकी हैं, मैं चंद दो जो नुकात हैं, एक तो जो दुखती हुई रग है इसकी इस वक्त आवाम की और हम सब की, वो इस मुल्क में जो महंगाई का दौर दौरा है और कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे कि पलवेशा ने कहा कि दो दो किलो चीनी के लिए
लंबी कतारें हैं, क्या ये हुकूमत इतनी नाअहिल है कि चीनी के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती? और चीनी के रेट को कंट्रोल न करने की जो सज़ा है वो आवाम को दी जाए, और आवाम गुरबत की सताई हुई आवाम, ये आप देख लें जो ये दिन रात ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों पर गामजन है, पाकिस्तान जो है इसका बहुत जो है इक्तसादी हालात इसके बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो जिस मुल्क के इक्तसादी हालात बेहतर हो चुके होते हैं तो वहाँ ये लंबी कतारें 2 किलो चीनी और 10 किलो आटे के लिए नहीं लगती। 10 किलो आटा और 2 किलो चीनी के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते हैं, और ये इस मुल्क का अलमिया है कि हम में से कोई भी जो है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। ये जिस तरीके से गरीब आवाम रुल रही है, गरीब आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, इसका जवाब दे इमरान खान न्याजी साहब को होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। रहते सहते कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखा कहाँ जाएगा, कहाँ से खाएगा? चले इनकी बात मान भी लेते हैं, लोग चले जाएंगे, कतारों में खड़े हो जाएंगे, अपनी इज्जत नफ्स को मार के उन कतारों में खड़े हो जाएंगे। इज्जत नफ्स तो आपने वैसे खत्म कर दी, क्योंकि जब आपने चीनी की कतार में घंटों खड़ा किया तो क्या इज्जत नफ्स किसी की रह गई, वो भी 2 किलो चीनी के लिए? जब वो खाने की कतार में भी खड़ा हो जाएगा तो जिसके घर में उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं, उसके खानदान हैं, वो कहाँ से खाएगा? क्या सिर्फ एक शख्स जाके खाना खा लेगा, बाकी घर भूखा सोएगा? ये जो ड्रामे हैं, ये फ्रॉड हैं, ये जो आपने अवाम को गुमराहकन किस्म के प्रोपगंडे पे लगाया हुआ है, आपकी जो फौज जफर मौज लगाई हुई है आपने, वो अपने तर्जुमानों की जो दिन रात तजलील करती है अवाम की, अवाम के जज्बात की, रहते सहते सरकारी अफसरों की, ना उनको बात करने की तमीज़ है, ना उनको किसी के साथ कोई गुफ्तगू करने की तमीज़ है। वो दिन रात टीवी पे बैठे होते हैं और ये गुफ्तगू उनकी जारी होती है कि जी आज ये हो गया, हमने ये कारनामा किया, हमने वो कारनामा किया, इससे फारिग होते हैं तो फिर अपोजिशन की जो है क्लास लेने के लिए बैठ जाते हैं। अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है, ना ये हल करना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं आपके तवसत से कहना चाहूँगी कि जो कोविड से रिलेटेड इस वक्त हालत है वो बहुत तश्वीशनाक है। इनके साथ तो वही काम हुआ है कि जैसे वो कहानी हम बचपन में पढ़ते थे कि शेर आया शेर आया। जब लास्ट टाइम पिछले साल सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किए तो उन सिंध गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया गया, सिंध गवर्नमेंट को कहा गया कि एलीट क्लास के लिए ये काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट को हर तरीके से जो है वो उसकी तजलील की गई, उनके इकदाम की तजलील की गई, और लोगों में ये इंप्रेशन दिया अपने प्राइम मिनिस्टर ने खुद कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक जुकाम है, हल्का सा फ्लू है, ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मिसपरसेप्शंस जो है, मिसकंसेप्शंस है, और किसी ने नहीं है, हमारे वजीर आजम साहब ने क्रिएट किए हैं। तो वो शेर आया वाली कहानी जो है, अब जब ये कहते हैं तो लोग यकीन नहीं करते, लोग कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और लोगों को भी हम इस पर बहुत वो नहीं कर सकते, क्योंकि इक्तसादी हालात आपको मालूम है, लोगों की मजबूरियां हैं, लोगों ने 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को पहुंचाना है, और इतनी नाकस इनकी पॉलिसियां हैं। आप खुद सोच करें कि बैंक करते हैं कि बैंक जी 1 बजे बंद हो जाए, सरकारी दफ्तर बाकी दफातर 2 बजे बंद होते हैं, तो जो दफ्तर से निकलेगा वो किधर जाए, वो किस तरह से अपना काम करे? फिर ये 5 बजे 6 बजे की जो लगाई हुई है, इससे बॉटलनेक्स पैदा हुए, इस बॉटलनेक्स की वजह से सब लोग जो हैं वो उसी वक्त पे निकल आते हैं, बजाय अच्छाई के ये हमेशा बुराई की तरफ लोगों को लेकर जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं, मेरा ताल्लुक चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी बहुत तश्वीशनाक है, और हमारे वजीर आला साहब और उनकी जो काबीना है वो फोटो सेशन से फारग नहीं है। वो दिन रात कभी एक सस्ता बाजार का ड्रामा, कभी किस बाजार का ड्रामा, कभी और तो और SOPs आप लोगों को कहते हैं फॉलो करें। हमारे अपने जो वजीर सेहत साहब हैं जो कि उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, वो खुद बगैर मास्क की अफ्तारियां अटेंड कर रहे हैं, इनके सारे लोग अफ्तारियां कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े इज्तमात हो रहे हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि जब आप रोल मॉडल खुद नहीं बन सकते तो आप किस तरह से किसी को कह सकते हैं? अगर मैं मास्क के बगैर यहाँ बैठ जाऊँ और आपको कहूँ कि आप जी SOPs फॉलो करें तो आप दिल ही दिल में मुझ पर हंसेंगे कि ये बता कुछ रहे हैं और एक्सरसाइज कुछ और कर रहे हैं। तो ये कॉल और फेल का फर्क तो इस गवर्नमेंट का हमेशा से था, हमेशा हमने देखा है कि ये कहते कुछ हैं और ये करते कुछ हैं, इनकी किसी बात पे अवाम को अब यकीन नहीं रहा, अवाम को एतबार नहीं रहा, अवाम इनके हाथों सताई हुई है। हमें ये बताया जाए कि ऑक्सीजन के हवाले से क्या इकदाम हैं गवर्नमेंट के, हमें ये बताया जाए, और रहते सहते आप एक वो चोर बाजारी का बाजार गर्म किया हुआ है, 30,000-30,000 रुपये डेली जो है वो सरकारी अस्पताल ले रहे हैं,
आपने सरकारी अस्पतालों की खैबर पख्तूनख्वा की रेट लिस्ट देखी है, 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर डे, कहते हैं जी ये सेहत कार्ड के तहत हो जाएगा, तो सेहत कार्ड के पैसे भी हकर हुकूमत ने देने हैं, तो ये तो किसकी जेब से निकल के किसकी जेब में जा रहा है ये भी समझाया जाए। 7.5 लाख रुपए का सेहत का कार्ड है जो कि आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, ये प्लीज नोट करें इन चीजों को, आउटडोर पेशेंट उस कार्ड में कवर्ड नहीं है। अगर आप इस ऐसी बीमारी के तहत जाते हैं अस्पताल ओपीडीज में जाते हैं, वहां वो सेहत कार्ड एप्लीकेबल नहीं है, आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा इस कार्ड की इफादियत के लिए, और वो जब आप दाखिल हो जाएंगे वो एक दिन में और दो दिन में आपके कार्ड की जो है वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर आप जाने और आपका काम जाने। ये एक तरीके से चैनलाइज किया है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को जो है स्ट्रेंथन करके आपके पब्लिक अस्पतालों के फंड जो है वो डाइवर्ट कर दिए हैं, वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, और वो रोल मॉडल कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सेहत के हवाले से है, और वही रोल मॉडल जो है वो पूरे मुल्क में तबाही का बायस बनेगा। हमारा सूबा तो सेहत के लिहाज से तबाह हो चुका है, ये आप को मैं बारहा ये कह चुकी हूँ, ये बार बार हमने आपसे कहा है कि हमारा सूबा पिछले 7 साल से जो तनजुली का शिकार है, खास करके सेहत के शोबे के हवाले से, ये इनकी जो सोशल मीडिया की कहानियाँ ये सब झूठ है। आके देखें कि वहाँ आवाम इस वक्त क्या हशर है, जो डी डी रेडिंग हस्पताल मेन हस्पताल खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे एक बीए पास जो है वो भी इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम से बीए किया हुआ, उसको आपने इंचार्ज लगाया डी डी रेडिंग हस्पताल का। इसी तरह और जगह पर भी यही हालात है, तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि बराए मेहरबानी होश के नाखन लें, बहुत सख्त वक्त है इस मुल्क पे और सख्त वक्त मजीद आने वाला है इस बीमारी के लिहाज से, जिसके लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है। आपने आवाम को जो है सारे डोनेशन वाले खैराती टीके तो लगा दिए, ये बताएं कि आपने क्या तैयारी की है, आपने वैक्सीन मंगवाने के लिए क्या तैयारियां की हैं, आपका क्या जो एक साल का आपको पीरियड मिला था जो पिछले जो आई थी लहर और इस लहर में इस एक साल में आपने क्या तैयारी की, आपने क्या इसके लिए किया, इसमें हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। और मैं समझती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है कि ये जिस वक्त और जितना जल्दी ये घर चले जाएं और आवाम को जो है इन्हीं से निजात दी जाए। शुक्रिया। परवेशा साहब ये बताइएगा कि आपने शहजाद अकबर के हवाले से कहा, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा पीपल्स पार्टी का, किस तरह आप उनके दायराकार को चैलेंज करेंगे, जो आपने कहा कि उनके दायराकार को चैलेंज किया जाए, क्या कोर्ट में जाएंगे या कोई और कोई तरीका? देखिए जी, बात असल ये है कि शहजाद अकबर का किसी भी सूबे में लसानियत की बुनियाद पर या एथनिक डिवाइड की बुनियाद पर या डोमिसाइल चेक करने का क्या हक है? सबसे पहले हम उसका डोमिसाइल चेक करना चाहेंगे कि वो कहाँ की पैदावार और किसकी जो है कहने पर ये काम कर रहा है, और ये इस किस्म का लेटर नैब से ना किसी और सूबे को वो लिखवा सकता है और ना उसने लिखवाने की जरूरत की है। लिहाजा ये जो उसने किया है ये सरीहन एक फसाद और कराची सिंध सूबे को डिवाइड करने की तरफ इशारा है, और कराची को बाकी सिंध से अलग करने की जो एक कोशिश करते आ रहे हैं जिसमें पहले और गुजरा थे, उसी की तरफ एक नया कदम है। लिहाजा हम इसको आइनी तौर पर भी चैलेंज करेंगे, ये आइन के भी खिलाफ है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम इसको शहजाद अकबर की ज्यूरिसडिक्शन को भी चैलेंज करेंगे कि ये शख्स कौन है जो पहले सुप्रीम कोर्ट में इंतशार फैलाता है और उसके बाद ये अब सूबों में इंतशार की तरफ आ रहा है। इसकी इंटेंशंस बिल्कुल वाजे हैं, और इसमें नैब का क्या ताल्लुक है ये भी हम पूछेंगे, नैब की ज्यूरिसडिक्शन नहीं कि वो इस किस्म के खतूत जो है लिखें, और कितने और सूबों को वो ये खत लिख चुके हैं, और सिंध ही क्यों वाहिद वो सूबा है जहाँ ये इस किस्म का झगड़ा फैलाना चाह रही है। तो ऐसे सब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर में हर बात में कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, पीडीएम की एक अहम जमात के सरबराह को एनआरओ दिया गया किसी भी हवाले से, अगर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं तो आपकी इतनी स्ट्रगल कहाँ खड़ी है? कारकुनों का जज्बात से पार्टी की आदत या पार्टी के लोग खेले, इसका आप क्या तदारक करें? देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ की तरफ आपका इशारा है, उनका अगर कोई सेहत का मसला है तो हम उस पर सियासत नहीं करेंगे। कैंसर सर्वाइवर हैं, अगर वो अपनी सेहत के हवाले से जाना चाह रहे हैं तो उस पर हम बेहतर समझते हैं कि वो चले जाएं, उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी इल्म है कि इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं, इमरान खान के हाथ में कोई फैसला नहीं
फॉरेन पॉलिसी से लेकर आपकी जो हमारी यहाँ की लोकल सियासत है, इमरान खान को कुछ पता नहीं, वो सिर्फ वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें बिठाया गया है। इससे पहले भी यही तकरीर करते थे, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, मैं 200 अरब वापस लाऊंगा, और आपने देखा मियाँ साहब भी चले गए, और अब जो छोटे मियाँ साहब हैं वो भी लगता है कि आजकल में चले जाएंगे। लिहाजा मामलात इमरान खान के हाथ में नहीं हैं, मामलात कहीं और हैं और वहीं से तय होंगे, और उधर ही उन्हीं लोगों से बाकी दुनिया भी मामलात जो है वो तय करी है। अब इमरान खान पर है वो कितनी देर अपनी मजीद जो है इस किस्म के एक पपिट के तौर पे बैठना चाहता है, बैठा रहे अगले 2 साल और फिर देखें अवाम उसे किस तरह निकालती है। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि केपी के अंदर हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन किस तरह आप रेट करेंगे सिंध के अंदर जहाँ पे आपकी हुकूमत जी? सिंध इस वक्त सेहत के शोबे में पाकिस्तान में इस वक्त लीड कर रहा है। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ जाते हैं, और वहाँ भी सब ये NICVD हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज होता है, वहाँ ये सेहत कार्ड का ड्रामा नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है। अभी भी सिंध में 30 आपने अभी सवाल में जवाब में एक बात बोली कि बाकी इमरान खान के हाथ में मामला नहीं है, बाकी भी उनके साथ मामला तय कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से डील करने की बहुत सारे मामला आ रहे हैं, आप बताएं आप भी उनके साथ कोई मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय कर रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मामला तय कर लिए होते जिस तरह के आप कह रहे हैं, और नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था। वो उनका ये मतलब नहीं था, वो एक जनरल बात कर रही थी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कभी किसी के साथ डील की है और ना करेगी। उसका सबूत ये है कि नए नए रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, और सबसे बढ़ के हमारे खुर्शीद शाह साहब पिछले 2.25 साल हो गए हैं उनको तकरीबन नैब की हिरासत में, आज तक उनकी बाकी केस तो छोड़े उनकी बेल नहीं हो सकी। जो जो पार्टियां फिर डील करती हैं उनका इस तरह की पोजीशन नहीं होती। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने विक्शन की इंक्रोचमेंट की सिंध में, तो उस पर नोटिस लिया गया, उसको ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया, बिलाल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया। कल दोबारा हमने देखा कि उन पर फायर किया गया, 2 अफराद जख्मी हुए, और कहा यह जा रहा है कि नोटिस लिया, तो क्या वजह है कि 10 दिन हो गए हैं वो नोटिस पे कोई अमल नहीं किया गया, उसके बावजूद ये इंक्रोचमेंट जारी है? देखिए जी, आज जो वहाँ के मुख्तार कार हैं, जो AC हैं, और मजीद जो अफसरान थे उनको सस्पेंड किया गया है, और FIR जो है वो अभी बिलावल साहब ने खुद भी ट्वीट किया है कि हम एक नासिर शाह साहब ने भी किया कि हम एक FIR इस निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ जो है काटेंगे। और कोठाबाद लॉज हैं वहाँ, और प्रोटेक्शन है कोठों को, और उसके तहत कोई इल्लीगल एविक्शन सिंध में नहीं अलाउ की जाएगी। जो हुआ वो अफसोसनाक है, और उसका भी जो है हम FIR कटवाएंगे, और जो उनको कानून के तहत तहफ़ हासिल है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसके बाद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जिसकी जमीन है वो वहीं बैठे। तो बताइएगा कि PDM से मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ शर्त भी आयद की और उसको धकेल भी दिया और निकाल ही दिया एक तरह से, लेकिन अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप क्या समझती हैं, और आप पार्टी की तर्जुमानों में से भी हैं, क्या समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून अब किसी कुवत के साथ डील कर रही है, और ये सारा कुछ डील के नतीजे में हो रहा है जिस तरह भी हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि PDM जो है ये विजन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का था, ये बारह हम कह चुके हैं, और जिस तरह का रवैया फिर अपनाया गया तो अभी तक तो हम इसी इंतज़ार में हैं कि जो हमारे ऊपर शराइत रखी गई थी कि इस्तीफे देकर असेंबलियों से निकल जाएं, और तो वो आज तक चले हमें एक लिहाज से अगर हम निकल गए हैं या हम उसका हिस्सा अब नहीं हैं, तो वो ये इस पर अमल दरामद खुद क्यों नहीं किया? हमारे भी कुछ सवालात हैं, हम भी ये पूछना चाहते हैं के, और पहले जैसे कि हम कह चुके हैं कि शो कॉज नोटिस आप अपने माताहतों को देते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, आप उनको देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से जो है नोटिस करके और जिस तरीके से जो तरीक़ाकार अपनाया गया उस पर हमें बहुत एतराज़ था, अभी भी है, लेकिन हम ये भी पूछेंगे ज़रूर कि चले हम तो चले गए लेकिन हमारे जाने के बाद जो है वो जो जिन चीज़ों पर ज़िद थी वो क्यों नहीं पूरी की गई? अभी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सदर साहब की जानब से, जिसमें जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया गया है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए, वोटिंग मशीनों के लिए
देखिए सदर साहब को सिर्फ लोगों की दांतों की जो सेहत है उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, इससे ज्यादा ना उनकी सोच है, ना उनका कोई काम है, ना उन्होंने माइंड अप्लाई किया जब वो जस्टिस फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे थे, और ना आज वो माइंड अप्लाई कर रहे हैं। ये सदर हाउस जो है ये इसलिए नहीं है कि ये यहाँ बैठकर लोगों की जो है तकदीरों का फैसला ऑर्डिनेंसेस से करें। इससे ये बात साबित होती है कि जो कमेटी इन्होंने बनाई है स्पीकर के नीचे वो फ्रॉड है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और ये नया फ्रॉड इन्होंने इसलिए निकाला है कि चूंकि इंसान इन्हें वोट देने से कासिर हैं तो लिहाजा रोबोट और मशीनें इन्हें वोट दें, और ये उसमें से फिर अगले पाँच साल जो आप में थोड़ा चंद लीटर खून है वो आप में हमें नचोड़ने की तैयारी करें। लिहाजा ये जो मर्जी करते रहें इसके इस किस्म की किसी चीज़ को हम नहीं मानते, और ना इस किस्म की कोई फ्रिवलस और बन्नी गाला में बनाई हुई मशीनों पर पाकिस्तान की कौम वोट दें। इनके तो वेंटिलेटर्स भी ठीक नहीं है तो मशीनें कहाँ से ठीक है। ये बताइएगा जैसे आपने भी कहा कि इमरान खान तो सिर्फ बिठाया गया है, इनको बैठाया, तो क्या ये सारे काम जो है वही करवा रहे हैं कि जैसे आपने डोमिसाइल की बात की कि डोमिसाइल शहजाद अकबर को किसने इख्तियार दिया, क्या ये इख्तियार दूसरी तरफ से आ रहा है? दूसरा ये जो अभी आप मशीनों की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात कर रहे हैं, क्या ये भी उसी तरफ से आ रहा है? क्योंकि इमरान खान तो फिर शरंगेजी में उसका दिमाग खासा काम करता है, जितनी शरंगेजी उसने और उसके हवारियों ने फैलाई है, मतलब वो जो कहता है मुझे फ़ख्र है ढाई साल में रहा हूँ, जो ढाई साल में कारनामे किए, एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट की कौम को लाइनों में दो दो तीन तीन रुपए की खातिर लगवाना ये कोई छोटा काम नहीं है। लिहाजा ये शरंगेजी जो है ये उसका अपना और शहजाद अकबर टाइप के लोग जो वो लेकर आए हैं उनका ये इसका क्रेडिट हम उनको देना चाहते हैं। हर किस्म की शरंगेजी जो मैंने आपको कहा इब्लीस कैद है, लेकिन उसने आगे इनको जो है अपना काम तफवीज कर दिया, तो लिहाजा ये अब उनका काम करेंगे, और हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो पपेट को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि पपेट कुर्सी में बैठ के मज़े तो ले रहे हैं ना, और जहाज़ों के मज़े भी ले रहे हैं और प्रोटोकॉल के मज़े भी ले रहे हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं, लिहाजा जवाब तो पपेट को देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि दूसरों पर डाल के पपेट यहाँ से बक्सा बांध के निकल जाए। अभी हमें पता नहीं हफीज शेख साहब कहाँ हैं, अगर उन्होंने इस किस्म के शरायत पर मुल्क को बेचा है तो उनको तो गिरफ्तार किया जाए पहले, और इसके पीछे जो जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेके आओ कौन सी शर्तें थी जिस पर तुमने मुल्क का सौदा किया। आज शौकत जो है तरीन साहब वो कहते हैं कि वो ज़ालिमाना शराइत थी, हम उन पर रिव्यू मांग रहे हैं, तो जिसने किया वो कहाँ है? उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया जो पाकिस्तान के हक की बात करते थे। आज वजीर आजम कहता है भारत के सफारतकार बहुत अच्छे हैं, अपने सफारतकारों की दुनिया में इतनी जग हंसाई किसी वजीर आजम ने नहीं कराई होगी। ये भी उनका क्रेडिट है, ये फख्र भी उनको होना चाहिए, उनको जाता है। और भारत में जो इस वक्त सोग है मौत का और कोरोना का, उसमें एक अगर खुशी की लहर है तो इन्हीं की वजह से आई है कि भारतीय सफारतकारों की तारीफ हुई है, पूरे भारतीय मीडिया में उठाया गया है। लिहाजा हम समझते हैं कि पपेट के हाथ से जो कुछ हो रहा है उसका जवाब पपकट पुतली को देकर जाना पड़ेगा।